आप अपना चश्मा रखकर भूल सकते हैं, किसी का नाम भी भूल सकते हैं, लेकिन अगर कहीं जाकर आप ये भूल जाएं कि आप आए क्यों हैं, तो सचेत हो जाएं। खासकर अगर आपकी उम्र 50 से कम है तो ये खतरे की घंटी है। अल्जाइमर ज्यादातर 65 वर्ष की उम्र के आसपास होने वाली दिमाग से जुड़ी एक बीमारी है। ये एक न्यूरोलॉजिकल समस्या है जिसमें दिमाग की कोशिकाएं नष्ट होने से याददाश्त जाने लगती है। ये बीमारी शुरुआत में हल्के फुल्के भूलने की आदत से शुरू होती है, लेकिन धीरे धीरे खतरनाक होती जाती है। ये है अल्जाइमर्स के कुछ शुरुआती लक्षण। अल्जाइमर में याददाश्त कमजोर होने के साथ साथ कुछ और भी लक्षण दिखाई देने लगते हैं, जैसे पहले लोगों का नाम भूल जाना, अपने विचारों को व्यक्त करने में कठिनाई, निर्देशों का पालन करने में दिक्कत, किसी बात को समझने में भी परेशानी होने लगती है, बार बार एक ही बात पूछना, अपना सामान बार बार खो देना, बहुत परिचित रास्ते में भी खो जाना वगैरह। अब आप सोच रहे होंगे आखिर अल्जाइमर्स होता क्यों है। अभी तक अल्जाइमर रोग की सही वजह पता नहीं है, लेकिन कुछ रिसर्च के मुताबिक अल्जाइमर रोग शायद अनुवंशिक असर, लाइफस्टाइल और दिमाग को प्रभावित करने वाले आसपास के फैक्टर्स की वजह से होता है। कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि उम्र के साथ हमारे मस्तिष्क की कुछ कोशिकाएं नष्ट हो जाती हैं या संदेश पहुंचने में गड़बड़ी होने लगती है। अगर आपके परिवार में किसी को ये बीमारी है तो आपको ये रोग होने की संभावना बढ़ जाती है। इसके अलावा डायबिटीज, हृदय रोग, मोटापा और सिर में चोट के इतिहास वाले लोगों में भी ये बीमारी ज्यादा पाई जाती है। अब अगर अल्जाइमर्स की जांच के बारे में बात करें तो अगर शुरुआती दिनों में पता चल जाए तो बेहतर रहता है। अगर अल्जाइमर्स का शक हो तो स्पेशलिस्ट डॉक्टर से मिलें। वह मरीज से बातचीत करके अंदाजा लगा सकता है। इसके बाद मरीज को सीटी स्कैन, एमआरआई और पीईटी जैसे टेस्ट करवाने पड़ सकते हैं। वैसे तो अल्जाइमर्स को एक लाइलाज बीमारी माना जाता है, लेकिन फिर भी कुछ उपाय किए जा सकते हैं, जैसे अपने वजन का नियंत्रण, पौष्टिक भोजन लें, अच्छी मात्रा में ताजे फल खाएं, नियमित व्यायाम करें, मानसिक रूप से सक्रिय रहें, कुछ नया सीखें और नए शौक विकसित करें। इसके अलावा आप उचित कदम लेकर हृदय रोग की संभावना कम करें और मेलजोल बढ़ाएं, दोस्त बनाएं और हमेशा खुश रहें। एक्सपर्ट्स का मानना है कि अगर इस बीमारी का शुरू में पता लग जाए तो व्यायाम करना शुरू कर देना चाहिए। इतना ही नहीं, निरंतर योग करने से याददाश्त भी बढ़ती है, इसलिए अल्जाइमर्स के पीड़ितों को रोजाना 20 से 25 मिनट योगा करना चाहिए। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो tantaran.com के YouTube चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।